मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ का शानदार आगाज हो चुका है, जिसमें अगले 13 दिनों तक 27 खेलों में 6,000 से ज्यादा एथलीट भाग लेंगे। कार्यक्रम में गायिका नीति मोहन, अभिलिप्सा पांडा और गायक शान ने प्रस्तुति दी। इसके अलावा दक्षिण भारत के प्रसिद्ध ड्रमिस्ट शिवमणि और ग्रुप द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत की प्रस्तुति भी दी गई। वहीं इस दौरान खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, खेल राज्य मंत्री निशित प्रमाणिक और मध्य प्रदेश की खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया मौजूद रही। इस अवसर पर सीएम शिवराज ने जीतने वाले खिलाड़ी को 5 लाख रुपए सम्मान राशि देने की भी घोषणा की। भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम में खेलो इंडिया यूथ गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी हुई। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, खेल राज्य मंत्री निशित प्रमाणिक और मध्य प्रदेश की खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया मौजूद रही। मुख्यमंत्री शिवराज ने घोषणा की कि जीतने वाले खिलाड़ियों को 5 लाख रुपए की सम्मान राशि दी जाएगी। खेलों में आगे बढ़ने के लिए खिलाड़ियों को सम्मान राशि देंगे, ताकि आने वाले खेलों के लिए खिलाड़ी अच्छी तैयारी कर सके। वहीं अभिनेता जय भानुशाली ने कार्यक्रम को होस्ट किया। कार्यक्रम की शुरुआत में अभिलिप्सा पांडा द्वारा हर हर शंभु और नटराज डांस ग्रुप की प्रस्तुति, प्रिंस डांस ग्रुप द्वारा G20 की वसुधैव कुटुम्बकम पर शानदार डांस प्रस्तुति दी गई। समारोह में मशहूर गायक शान, जिन्होंने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के थीम सॉन्ग को आवाज दी है, उन्होंने अपनी प्रस्तुति दी। गायिका नीति मोहन ने नर्मदा अष्टक की प्रस्तुति दी। स्टेडियम के मुख्य ग्राउंड पर लगभग 100 मीटर लंबा स्टेज बनाया गया था, जिसमें मध्य प्रदेश की संस्कृति और ऐतिहासिक धरोहरों को दर्शाया गया था। इसमें नर्मदा घाट, खजुराहो मंदिर, भीम बेटिका, महाकाल, महालोक, सांची स्तूप, ओरछा के मंदिर, भेड़ा घाट और ग्वालियर फोर्ट बनाया गया था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 के शुभारंभ कार्यक्रम में लेजर शो, आतिशबाजी की रंगारंग प्रस्तुति भोपाल वासियों को देखने मिली। खेलों को आगे बढ़ाने के लिए और खिलाड़ियों की प्रतिभा निखारने के लिए मध्य प्रदेश में धन की कमी नहीं रखी जाएगी। खेलते रहो और बढ़ते रहो। 18 खेलों की 11 खेल अकादमियां मध्य प्रदेश में स्थापित की गई है और मुझे कहते हुए भी प्रसन्नता है कि पहले खेलों में मध्य प्रदेश का स्थान कहीं नहीं होता था, लेकिन पिछले खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 38 पदक मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने जीते थे। और अब भी मैं कह रहा हूँ, वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।